हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने लास्ट वीक लेसन पढ़ा था, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जॉन्सी इलनेस? जॉन्सी को क्या बीमारी है? व्हाट कैन क्योर हर? उसका इलाज कैसे हो सकता है? द मेडिसिन, दवाइयों से या विलिंगनेस टू लिव, या जीने की इच्छा से? जॉन्सी सफर फ्रॉम निमोनिया, जॉन्सी निमोनिया से पीड़ित है, बट हर इलनेस इज मोर साइकोलॉजिकल देन फिजिकल, परंतु उसकी बीमारी शारीरिक होने की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक अधिक है। शी हैज लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन लाइफ, वह जीवन में सब रुचि खो बैठी है। शी सर्टेन, वह समझती है, उसे विश्वास है, दैट शी नो शी इज गोइंग टू डाई, कि वह अब मरेगी, मरने वाली है। नाउ नो मेडिसिन कैन हेल्प हर, अब कोई भी दवाई उसका इलाज नहीं कर सकती हैं। इट इज ओनली हर डिजायर, यह केवल उसकी इच्छा है, टू लिव, रहने की, दैट कैन क्योर हर, जो उसका इलाज कर सकती है। सेकेंड क्वेश्चन है सर, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो? द फियर, कि डर, जॉन्सी हैज कॉमन एमोटीजर, जो जॉन्सी को वह अधिकतर किशोरों में होता है। यस, हाँ, टीनेजर आर जनरली वेरी इमेजिनेटिव, हाँ, किशोर बहुत कल्पनाशील होते हैं। इट इफ एक थिंग्स वंस गेट इन टू देयर माइंड, यदि कोई बात उनके मन में घुस जाए, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू टेक इट अवे, इसे बाहर निकालना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। देयरफोर, इसलिए, इट इज इम्पोर्टेंट, यह आवश्यक है, दैट टीनेजर शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली, कि किशोरों को हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। जॉन्सी इज ऑल्सो ए टीनेजर, जॉन्सी भी एक किशोरी है। द आइडिया ऑफ डेथ, कि मृत्यु का विचार, गेट्स इन टू हर माइंड, उसके मन में घुस जाता है। शी कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट इजली, वह इससे आसानी से छुटकारा नहीं पा सकती है। शिव हैज टू मेक हर थिंक पॉजिटिवली, शिव को उसे सकारात्मक सोच देनी पड़ती है। थर्ड क्वेश्चन है, बहरमैन हैज ए ड्रीम, बहरमैन का एक सपना है, वाट इज इट ड्रीम, वाट इज इट, वह क्या है? डज इट कम ट्रू, क्या वह सपना सत्य होता है, सत्य सिद्ध होता है? बैरमैन्स ड्रीम इज टू पेंट ए मास्टरपीस, बैरमैन का जो सपना है वह एक श्रेष्ठ कलाकृति बनाने का है। दिस ड्रीम डज कम ट्रू, यह सपना सत्य हो जाता है, बट ओनली विद हिज डेथ, परंतु केवल उसकी मृत्यु के बाद, उसकी मृत्यु से। ही पेंट्स एन ईवलीप ऑन ए वॉल, वह एक दीवार पर सिरपेंचे का एक पत्ता बनाता है, ईवलीप सिरपेंचे का एक पत्ता बनाता है। ही वर्क इन द कोल्ड विंटर रेन, वह सर्दी वर्षा में, वह ठंडी शीत ऋतु की वर्षा में काम करता है। ही कैचेज निमोनिया, उसको निमोनिया हो जाता है, एंड डाइज, और मर जाता है। हिज पेंट प्रूव ए मास्टरपीस, उसकी जो पेंटिंग है वह एक श्रेष्ठ कलाकृति सिद्ध होती है। इवन जॉन्सी, यहाँ तक कि जॉन्सी है, हु इज हरसेल्फ एन आर्टिस्ट, जो कि खुद एक आर्टिस्ट है, कैन नॉट नो, नहीं जान सकती, दैट इट इज नॉट ए रियल लीप, कि यह एक वास्तविक पता है। व्हाट इज बैरमैन मास्टरपीस, बैरमैन की जो मास्टरपीस है, श्रेष्ठ कलाकृति है, वह क्या है? व्हाट मेक शिव से सो, शिव इसे ऐसा क्यों कहती है? बैरमैन पेंट्स एन ईवलीप ऑन ए वॉल, बैरमैन एक दीवार के ऊपर एक सिर पेंचे का पत्ता पेंट करता है। दिस पेंटिंग प्रूव ए मास्टरपीस, यह पेंटिंग एक श्रेष्ठ कलाकृति साबित होती है। जॉन्सी इज हरसेल्फ एन आर्टिस्ट, जॉन्सी खुद भी एक कलाकार है,
इवन शी कैन नॉट नो कैन नॉट नो, यहाँ तक कि वह भी नहीं जान पाती है दैट इट इज नॉट ए रियल लीफ, कि यह एक कोई असली पत्ता नहीं है, यह एक असली पत्ता नहीं है। दैट इज भाई यही कारण है शिव कॉल्स इट ए मास्टर पीस, शिव इसे श्रेष्ठ कलाकृति कहती है। इट इज बिकॉज यह ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑफ दिस मास्टर पीस, कि यह जो कलाकृति है दिस दैट जॉन्सी रिजन हर विल टू लिव, कि जिससे जॉन्सी जीवित रहने की इच्छा को फिर से प्राप्त कर लेती है। थैंक यू।